In this video, I will talk about Research Onion. This is developed by Saunders. The main purpose of Research Onion is to explain the stages through which a researcher passes for the development of the effective research methodology. Research Onion has six layers. First is related to philosophy and paradigm, second is related to approach, third is methodological choice. Fourth is strategy, fifth is time horizon, and sixth is related to techniques and procedures. Now we will discuss first layer. In the first layer of research onion, Saunders gave four paradigms Positivism, Realism, Interpretism, and Pragmatism. We will discuss all these four paradigms one by one. So first paradigm is positivism. Positivism में researcher world को इस तरह से देख रहा होगा कि मैं true knowledge जो है उसको consider करूँगा जो observation और experimentation के through आएगा वो true knowledge होगा. यानी इसका मतलब यह है कि साइंटिफिक मेथड के, के थ्रू जो है वो नॉलेज गेन होगा पॉजिटिविज्म में और जब ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू होगा तो इसका मतलब है सभी इस पे एग्री करेंगे यानी ये सिंगल रियलिटी होगी मल्टीपल रियलिटी नहीं होगी यानी ऑब्जेक्टिविटी होगी सब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो जब ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो नॉलेज गेन होगा उसी को ट्रूथ कंसिडर किया जाएगा तो इसका मतलब है कि पॉजिटिविज्म में जो बिलीव कर रहा होगा वो एम्पेरिस होगा यानी वो ये चीज कह रहा होगा कि नॉलेज जो है ट्रू नॉलेज जो है वो फाइव सेंसरी एक्सपीरियंस से गेन हो सकता है क्योंकि जो रैशनलिज्म uh, जो है जो रैशनलिस्ट हैं वो इसमें बिलीव करते हैं कि ट्रू नॉलेज जो है वो थ्रू लॉजिक थ्रू रीजनिंग जो है वो गेन होता है और इसके जो है पॉजिटिविज्म के जो है फादर जो है वो फ्रेंच फॉलोसफर है ऑगस्टे कॉन्ट ऑगस्टे कॉन्ट जो है ही इज द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ सोशलॉजी अब हम जो है इंटरप्रटर को डिस्कस करते हैं जो इंटरप्रटरिज्म में बिलीव करते हैं उनका कहना ये है कि जो सारी फील्ड्स हैं दे आर नॉट वर्किंग इन द सेम वे यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने मिक्स किया और वाटर बन गया बहुत सारे फील्ड इसके अलावा भी हैं जिसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है तो उनका कहना यह है कि जो रियलिटी जो है नॉलेज जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है तो अब इसका मतलब यह हुआ कि जब इंडिविजुअल किसी चीज को इंटरप्रेट करेंगे तो उनमें जो है वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी सब्जेक्टिविटी होगी यानी सिंगल रियलिटी नहीं होगी मल्टीपल रियलिटी आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरप्रिटिज्म में जो है इंडिविजुअल विल शेप द सोसाइटी यानी स्पेसिफिक टू जनरल होगा और जैसे पॉजिटिविज्म में हम जो है वो क्वांटिटेटिव वे में जो हम अप्रोच यूज कर रहे होते हैं लेकिन इंटरप्रिटिज्म में जो हम क्वालिटेटिव मैथोलॉजी है क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है वो अप्लाई होगी और इसको जो है जो इसके फाउंडर जो है वो मैक्स वेबर है अब हम जो है रियलिज्म को डिस्कस करते हैं जो रियलिज्म में बिलीव करते हैं उनका कहना ये है कि रियलिटी जो है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है वो ह्यूमन परसेप्शन ह्यूमन माइंड पे डिपेंडेंट नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पर्सन जो है वो मैंगो ट्री देख रहा है तो मैंगो ट्री जो उसके माइंड की वजह से या परसेप्शन की वजह से वो रियलिटी नहीं बन रही है वो कॉन्क्रीट रियलिटी जो है इट्स सेल्फ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है बेसिकली इसके रियलिज्म के फाउंडर जो है वो एरेस्टॉटल है और एरेस्टॉटल जो है वो प्लेटो के जो है वो स्टूडेंट है क्योंकि प्लेटो ने जो है वो आइडियलिज्म का आइडिया दिया था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी थी प्लेटो ने ये कहा था कि आइडियाज ही रियल है ये जो हम सामने देख रहे हैं जो फिजिकल वर्ल्ड जो है ये रियल नहीं है ये रियलिटी की जो है इन परफेक्ट कॉपीज है मिसाल के तौर पे अगर हम जो चेयर देख रहे हैं तो वो रियल चेयर नहीं है वो परफेक्ट चेयर नहीं है असल में हमारे माइंड में चेयरनेस का आइडिया है तो इस वजह से हम वो चेयर को जो है रेकग्नाइज कर रहे हैं और आगे अगर हमें उसको क्रिएट भी करना पड़े तो उस आइडिया की वजह से हम जो है वो क्रिएट भी कर लेंगे तो प्लेटो का कहना ये था कि आइडियाज जो है फॉर्म्स जो है वो रियल हैं ये जो फिजिकल वर्ल्ड जो है ये रियल नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर प्लेटो ये बात कह रहा है कि आइडियाज जो है वो रियल है तो इसका मतलब है कि वो फाइव सेंसेस में वो आ ही नहीं सकते हैं यानी सेंसरी एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता है तो इसका मतलब है कि नॉलेज जो है यानी आइडियाज का नॉलेज जो है वो थ्रू रीजन या लॉजिक ही होगा तो इसलिए प्लेटो जो है वो रैशनलिस्ट है यानी रैशनलिस्ट बेसिकली इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ट्रू नॉलेज जो है वो थ्रू लॉजिक थ्रू रीजन जो है उससे आइडेंटिफाई होता है और एम्पेसिस जो है वो इसमें बिलीव करते हैं कि ट्रू नॉलेज जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस जो इंसान के फाइव सेंसेस हैं उसके थ्रू जो है वो गेन होता है तो ये बेसिकली जो है वो रियलिज्म uh, मैंने एक्सप्लेन किया और एरस्टोटल uh, जो है प्लेटो के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चीज दी अब हम जो है वो प्रेगमेटिज्म करते हैं uh, है, प्रेगमेटिज्म काम हुआ है यूएसए में और इसके फाउंडर जो है वो चार्ल्स है और इन्होंने ये चीज डिस्कस की थी 1870 में लेकिन प्रिंट मीडिया में जो है विलियम जेम्स लेके हैं 1898 में लेकिन विलियम जेम्स ने क्रेडिट जो है वो चार्लस को दिया है तो फाउंडर इसके जो है वो चार्लस ही रहेंगे अच्छा प्रेगमेटिज्म की अप्रोच जो है वो पहले जो हमने डिस्कस किए हैं पैराडाइम्स उनसे डिफरेंट है इसकी टोटली अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल है प्रेगमेटिज्म ये कहता है कि आप देखें अगर कोई चीज काम कर रही है इफ समथिंग इज वर्किंग इट मींस वो ट्रुथ है अगर वो काम नहीं कर रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो रियलिटी नहीं है वो ट्रुथ नहीं है तो ये इसमें प्रेगमेटिज्म है वो प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो इसमें यूज की है और इसमें जॉन डुई ने जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है प्रेगमेटिज्म में काम किया है ठीक है तो ये ये प्रेगमेटिज्म जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच और इसके कॉन्सिक्वेंस को लेके चलता है प्रेगमेटिज्म तो कहता है कि इफ यू हैव टू थ्योरीज एंड वन इज वर्किंग बेटर तो इसका मतलब है जो बेहतर काम कर रही है थ्योरी उसको आप एक्सेप्ट कर लो और इसमें जो है वो आप चाहे क्वांटिटेटिव वे में आप कर रहे हैं आप क्वालिटेटिव में है मेक्सअ्रोच यूज कर रहे हैं आप जो है इस से है क्योंकि पॉजिटिविज्म में आप जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच के साथ जाएंगे डिडक्टिव अप्रोच के साथ जाएंगे और इंटरप्रिटिज्म में जो है वो आप क्वालिटेटिव जो है वो अप्रोच यूज़ करेंगे और इंडक्टिव वे में यूज करेंगे लेकिन प्रेगमेटिज्म में आपके पास जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड मिक्स अप्रोच है वो अप्लाई हो सकती है तो इस वीडियो में मैंने जो है वो फर्स्ट लेयर जो है रिसर्च ऑनियन की डिस्कस की है जो रिमेनिंग लेयर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग